फ्रेंड्स, वेलकम टू learner.com। स्वागत है आपका एक और वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इनोवा क्रिस्टा में आने वाले एप्पल कार प्ले के बारे में, जिसके थ्रू आप नेविगेशन एंड म्यूजिक का प्रयोग कर सकते हैं अपनी इनोवा क्रिस्टा के अंदर। तो इससे पहले हमने एंड्रॉयड ऑटो के लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देते हैं। बट अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो किस प्रकार आप अपना आईफोन कनेक्ट कर सकते हैं एप्पल कार प्ले यूज़ करने के लिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है एक सेटिंग, जिसे आप देखेंगे सेटिंग्स में जाकर। यहाँ पर आपको दिखेगा प्रोजेक्शन सेटिंग के नाम से। तो यहाँ पर मेक श्योर कीजिए कि एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो दोनों यहाँ पर आपको ऑन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ से आपने प्रोजेक्शन उसका ऑफ कर रखा है तो आपका एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले काम नहीं करेगा। वापस आते हैं मेन मेन्यू की तरफ। तो करंटली यहाँ पर आपको कोई आइकन नहीं दिखाई दे रहा है एप्पल कारप्ले का। उसके लिए आपको करना क्या है, अपना डिवाइस आपको कनेक्ट करना है यूएसबी के थ्रू, और यूएसबी आपको कनेक्ट करना है जो आर्मरेस्ट के साथ यहाँ पर दिया गया यूएसबी पोर्ट है उसमें। जैसे ही आप यहाँ इसे कनेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर एप्पल कारप्ले का आइकन दिखाई देगा। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस मेक श्योर कीजिए कि आप इसे इस वाले आर्मरेस्ट वाले यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करें वायर के थ्रू, क्योंकि इसमें एप्पल कारप्ले जो आता है वो वायर्ड आता है। अब आपको फ़ोन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली एप्पल कारप्ले का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है इसका बेसिक इंटरफेस, जिसमें आपको सभी आइकन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको अपने आईफोन में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप फ़ोन का प्रयोग कर सकते हैं, म्यूज़िक का प्रयोग कर सकते हैं, मैप्स, और मैप्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको एप्पल मैप्स देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं जो आप गूगल मैप्स का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको अपने डिवाइस के अंदर गूगल मैप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल मैप्स का आइकन भी देखने को मिलेगा। तो आई होप इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आप जान पाए होंगे किस प्रकार आप एप्पल कारप्ले का प्रयोग कर सकते हैं अपनी इनोवा क्रिस्टा के अंदर। तो इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इस प्रकार की और बहुत सारी वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।